एक और बड़ी खबर के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा पटना में आज बीजेपी के दो दिन के संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में बीजेपी के सभी सात मोर्चा के नेताओं की संयुक्त बैठक होगी। बीजेपी की संयुक्त मोर्चा बैठक में शामिल होने के लिए देश भर से करीब 750 बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। एक तरीके से इसे ग्राम संसद आप कह सकते हैं और पार्टी को संगठन के स्तर पर मजबूत करने की बड़ी खबर। साकेत हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, जेपी नड्डा का रोड शो जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, साथ ही साथ ये जो पूरी बैठक दो दिवसीय होनी है जिसमें कि बड़े नेता पहुंच रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके मायने क्या है? देखिए बिल्कुल, बीजेपी ये जो आप कह सकते हैं ये जो बैठक आयोजित यहाँ पर किया है बीजेपी ने, वो कहीं ना कहीं अपने संगठन को बिहार में मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की है। और सबसे पहले आपको हम पीछे तस्वीर भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका ये रोड शो देखिए किस तरह से पटना की सड़कों पर वो चल रहा है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जो संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने ये पूरी तैयारी की है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में है। और सबसे अहम बात है कि 200 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने इस बार अपने सभी नेताओं को उतारा है। उन लोगों को अलग अलग क्षेत्र दिया गया है जहां पर जाकर वो प्रवास करेंगे और जो 200 विधानसभा सीटें हैं उस पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की है। और जो अंदर खाने की खबर है कि अब पूरी तरह से एक चुनावी रंग में पार्टी अब से दिखने लगेगी, क्योंकि ये जो तैयारी है वो संगठन ही नहीं बल्कि वोटरों तक पहुंचने की तैयारी है। नेताओं को वहां दो दिनों का प्रवास कराया गया है और वो तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं जिसमें से 43 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी और 200 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का, चाहे वो आरजेडी हो और दूसरी पार्टियों को मिली थी, तो बीजेपी उन 200 सीटों को पर जो है वो तैयारी कर रही है, जो जेडीयू की सीटिंग सीटें 43 है उस पर नहीं कर रही है। इसी से ये भी सवाल बना है कि क्या बीजेपी अब ये कोशिश में है अगले विधानसभा चुनाव में कि अगर उन्हें अकेले चुनाव में जाना पड़े तो वो उसके लिए तैयार हो। और कहीं ना कहीं इसी रणनीति के तहत पार्टी जो है वो अब आगे बढ़ रही है। आज अभी थोड़ी देर पहले हमने नित्यानंद राय जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनसे भी बात की थी और उनसे ये सवाल हमने पूछा था कि क्या अब जेडीयू से अलग बीजेपी अपनी तैयारी में लगे हैं, तो हालांकि उन्होंने इस बात को तो टाल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर तैयारी करेगी तो इसका फायदा सभी को होगा, लेकिन जो अंदर खाने की बात है वो ये है कि बीजेपी अब चुनावी रंग में है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में राजनीतिक जो उठापटक है वो दिख रहा है नीतीश कुमार या जेडीयू से, जिस तरह से बीजेपी की खटपट आए दिन सामने आती रहती है, उसके बाद अब बीजेपी हर सीट पर अपनी तैयारी जो है वो करने में लगी हुई है और कैसे उन सीटों पर जीत दर्ज की जाए ये कोशिश बीजेपी की हो रही है। तो इसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है दो दिनों का और कल अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का समापन वो करेंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम है जिसमें कि बीजेपी के जितने नए कार्यालय बने हैं उन कार्यालयों का उद्घाटन है और कई कार्यक्रम नेताओं से मिलना उनको उनके बीच। कुल मिलाकर बहुत सीधी सी बात ये कि बीजेपी अपने संगठन को पुख्ता कर रही है, मजबूत कर रही है, जाहिर तौर पर इससे लोग जुड़ेंगे और जेपी नड्डा का जो रोड शो है उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपसे इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत